अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार थी को मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। आज बहरिया टाउन से वापसी में था तो बड़े मजेदार चीज देखी मैंने, DHA सुफा यूनिवर्सिटी DHA सिटी कराची कैंपस। ये बड़ी अहम बात है कि सुफा यूनिवर्सिटी खुल भी चुकी है DHA सिटी कराची में, ऑपरेशनल भी है, और उसकी जो ये वैन है वो भी चल रही है बच्चों को ले जाने करने के लिए, टीचर्स को ले जाने करने के लिए। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि वो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में ओपनिंग की बात की जा रही थी वो आज ऑपरेशनल है। और क्योंकि DHA सिटी एक इदारा है, अथॉरिटी है, वो मार्केटिंग के, उनके पास फंड्स नहीं होते तो वो उस तरह से मार्केटिंग नहीं करते जिस तरह से बहरिया टाउन मार्केटिंग करता है। उस तरह से मार्केटिंग DHA सिटी कराची की नहीं होती। सुफा यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है, यही चीज अगर बहरिया टाउन कराची की होती वो सिर्फ एक गाड़ी में परचेज करते हैं ना, तो वे एक गाड़ी के लिए भी ठीक ठाक मार्केटिंग करते हैं। सारे ग्रुप्स में वो मैसेजेस चलते कि जी आपका अब आप कराची से DHA कराची से शहर के लिए हमारे जो है वो गाड़ी आ चुकी है और वो सबको एंटरटेन करेगी। ये चीज़ें अगर बहरिया टाउन की होती तो वो लाजमी चल रही होती। हमें पता, मैं DHA कराची का काम करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि ये गाड़ी चलती है सुफा यूनिवर्सिटी की। तो बहरहाल एक खुशाइन बात है। इसी के साथ साथ दोबारा आपको बताता चलूँ कि DHA कराची में लाइट आ चुकी है ग्रिड स्टेशन से। उनका अपना पावर का स्टेशन नहीं है, उनकी अपनी पावर जनरेशन नहीं होती जैसे आपकी बहरिया टाउन की होती है। DHA कराची ने लकी सिमेंट वालों से MOU साइन किया, और साइन करने के बाद अल्लाह का भला करे, साइन करने के बाद अब वहाँ से उनकी बिजली आ रही है और जो एक नॉर्मल रेट होता है बिजली का वही रेट चार्ज होगा जैसे बहरिया टाउन में नहीं होता। एनीवेज ये बात भी बताना ज़रूरी है बहुत से लोगों को कि DHA सिटी कराची में बिजली भी आ चुकी है, पोल्स लग चुके हैं, उस पर लाइट चल चुकी है। इसके साथ साथ जिस तरह से सप्लाई बहरिया टाउन में टैंकर्स के जरिए, उसी तरह से टैंकर्स की सप्लाई की सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। दो, तीसरी सबसे अहम चीज, बैंक सारे वहाँ पे मौजूद हैं। चौथा, ट्रांसफर DHA सिटी कराची का ट्रांसफर का सिस्टम वहाँ पर उसका ऑफिस बन चुका है, ऑपरेशनल है, हफ्ते में एक दफ़ा वहाँ पर ट्रांसफर होता है, वो बन चुका है, मस्जिद बन चुकी है, और उसके साथ साथ 180 मकान DHA सिटी कराची खुद बना रहा है। ये सारी एक्टिविटीज वो हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। मैं आज बहरिया टाउन के एक ट्रांसफर पे गया हुआ था तो एक ब्रोकर से बात हुई तो उसने कहा कि वकार भाई कोई डेवलपमेंट ही नहीं है DHA सिटी कराची में। तो मैंने कहा भाई क्या डेवलपमेंट चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि ना बैंक है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और रोड्स भी नहीं बनी हुई, और कोई खाम ही ना, बंदा ना बंदे की जात, बंदा ना बंदे की जात। इसमें कोई शक नहीं, जब आप बहरिया टाउन कराची जाते हैं तो आपको ज़िंदगी मिलती है, लाइफ मिलती है, लोग मिलते हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप DHA कराची के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आती आती, लेकिन वहाँ फिलहाल अभी ज़िंदगी नहीं है। 4-5 साल 6 साल लगेंगे, लेकिन वहाँ पर सहूलियत आ चुकी है, बिजली आ चुकी है, पंप भी है, पेट्रोल पंप भी है, स्कूल वहाँ पे सिटी स्कूल है, डॉ मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ पर है, ऑपरेशनल है, और आज से नहीं दो दो तीन तीन साल हो चुके हैं डॉ मेडिकल हॉस्पिटल को DHA कराची में ऑपरेशनल हुए हुए 2-3 साल हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनकी पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे, ब्रिगेड हाउस बनेंगे, कुछ बिल्डिंग्स आर्मी हाउस सोसाइटी की बनेगी, उसी के बाद चांसेस है कि यहाँ पे तेजी से लोगों का रुझान हो, वरना उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। जब तक ब्रिगेड हाउस हर सेक्टर में छोटे छोटे मकान 10-20-100 मकान नहीं बनेंगे, और इसी तरह से आर्मी हाउस सोसाइटी की बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट नहीं होंगी, वो लोगों को नजर नहीं आएंगी, तो लोगों का रुझान नहीं बनेगा यहाँ से वहां जाने का। वेट करना पड़ेगा, 4-5 साल का वेट है मिनिमम DHA कराची के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। बहरहाल इंशाअल्लाह मुझसे रابطے में रहेगा वकार अतीक कनेक्ट रियल एस्टेट। जज़ाकअल्लाह खैर।